क्लास टेंथ ज्यामिति कला नंबर 7 कथन। एक रेखाखंड को 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। दिया है एक रेखाखंड की लंबाई मान लीजिए क्या है आपको 6 सेंटीमीटर है, उसी को 5 बराबर भागों में बांटना है आपको। रचना करनी है उपर्युक्त रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। रचना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए। कितने खींचेंगे आप 6 सेंटीमीटर की। मान लीजिए कि कौन सी रेखा है ए और बी। मान लीजिए 50 अंश का कोण बनाते ही रेख चांदी से 50 अंश देख लेना, 50 अंश का कोण बनाते ही एक रेखा खींच डालिए ऊपर की ओर और नीचे की ओर भी ए बी से 50 सेंटीमीटर का रेखा आप खींच डालिए। ये मान लीजिए ए एक्स है, ए क्या है आपका ए वाई बी वाई है। ये कितना रहेगा 50 ए भी रहेगा 50 ए भी रहेगा। पहला काम क्या करेंगे हम लोग ए बी 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, ऊपर चांदे से 50 सेंटीमीटर रेखा ए एक्स खींच देंगे, नीचे की ओर 50 सेंटीमीटर रेखा बी वाई खींच देंगे। 50 अंश ए भी रहेगा 50 ए भी रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग रेखा को 5 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए एक छोटा चाप लेकर के हम यहाँ से 5 बराबर भाग तक लगाएंगे। एक चाप हो गया, 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5 इसे कह देंगे ए वन, इसे कह देंगे ए टू, इसे कह देंगे ए थ्री, इसे कह देंगे ए फोर, रेखा है ए फाइव। यहाँ पर भी आप 5 चाप लगा लीजिए 1 2 3 4 और 5 ऐसे 1 2 3 4 और 5 ऐसे चला गया। ये क्या हो जाएगा आपका बी वन, ये हो जाएगा बी टू, ये हो जाएगा बी थ्री, ये हो जाएगा बी फोर, ये हो जाएगा बी फाइव। आप ए को 5 से मिला दीजिए यहाँ पर, ऐसे बी फाइव से हो गए। बी को यहाँ पर भी जो है ए फाइव से मिला दीजिए। 5वां लास्ट को लास्ट मिलाना है आपको, लास्ट को लास्ट पहले मिला दीजिए उसके बाद फिर क्रम से मिलाइए। बी फोर को यहाँ से मिला दीजिए ए वन से, बी थ्री को ए टू से मिला दीजिए आप ऐसे, ए थ्री को बी टू से मिला दीजिए, ए फोर को बी वन से मिला दीजिए। देखेंगे आप, देखो ये पार्ट ए हो गया 1 2 3 4 और 5 5 बराबर भागों में रेखा बट गई। यही है आपको 5 बराबर भाग। सेंटीमीटर खींच डालिए, क्या है आपकी ए बी। 50 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर खींचिए और 50 अंश का कोण बनाते हुए रेखा नीचे खींच डालिए। ये रेखा ऊपर वाली ए एक्स कर दीजिए, ये वाली क्या कर दीजिए बी वाई। एक छोटा चाप लेकर के बराबर बराबर 6 चाप खींचने ना पाए 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर नीचे उसी चाप से चाप खिसक लेना पाए 1 2 3 4 और 5 मिला दिया गया। ये वाला चाप क्या हो गया ए वन, ये हो गया ए टू, ये हो गया ए थ्री, ये हो गया ए फोर, ये हो गया ए फाइव। यहाँ क्या हो गया बी वन, ये हो गया बी टू, ये हो गया बी थ्री, ये बी फोर, ये हो गया बी फाइव। ठीक है ना, आप यहाँ से मिलाइए, ऐसे यहाँ पर कर लीजिए, ऐसे मिला दीजिए डायरेक्ट से मिलाइए लास्ट क्लास से, यहाँ से मिला दीजिए लास्ट क्लास से मिला दीजिए। बी को ए फाइव से मिलाना है आपको, ए को बी फाइव से मिलाना है, लास्ट को लास्ट मिलाना ध्यान रखना है आपको, नहीं तो 6 बराबर भाग में कट जाएगा। फिर यहाँ से उसके बाद क्रम से मिलाइए आप, क्रम से मिला दीजिए आप, डाट डाट मिलाइएगा, डाट डाट छोटा छोटा रहे। ये देखिए 5 बराबर भागों में आपको रेखा बट जाएगी यार 1 2 3 4 5 5 बराबर भागों में पूरी रेखा बट जाएगी। 6 सेंटीमीटर रेखा खींच करके एक न्यून कोण नीचे बनाना है, एक न्यून कोण यहाँ, न्यून कोण आप 40 भी हो सकता है, 40 रहे यहाँ तो 40 यहाँ रहे, 50 यहाँ रहे 50 यहाँ रहे, 30 यहाँ रहे तो 30 यहाँ रहे, 60 यहाँ रहे तो 60 यहाँ रहे। दोनों ऊपर नीचे न्यून कोण बनाना है, चाहे 40 बनाओ चाहे 50 बनाओ चाहे 60 बनाओ।